किसान विरोधी आर्डीनेंस नूं लैके अज शहरी कांग्रेस कमेटी वालों बठिंडा दी दाणा मंडी विच दित्ता गया धरना ते केंद्र दी सरकार खिलाफ कीती नारेबाजी। बुलारिया ने बोलदिया कहा कि यह कला किसान ते मजदूरां दे विरोधी बिल नहीं है, यह हर एक वर्ग ते इस बिल का असर पवेगा, इस ते आड़तियां ते भी असर पवेगा और होर हर एक दुकानदार ते इस बिल का असर पवेगा। इसलिए असी इस बिल का पूर्ण तौर पर विरोध करते हैं और सरकार तो मंग करते हैं कि इस नूं दोबारा विचारा जाए। जिहड़ा लोक विरोधी बिल लैके आंदा किसानां दे खिलाफ लैके आंदा सैशन दे विच लोक सभा दे विच और राज्य सभा दे विच, साडी समुची कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती है। जिहड़ी बीजेपी की अपने नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसानां नूं लोक मारू नीतियां ते तुली हुई है, असी इस चीज़ का डट के विरोध करते। अज किसान साडा पूरा सड़कां दे उत्ते तरह तरह कर रहा है। पंजाब हिंदुस्तान दे विच किसानी नूं जिहड़े 70% किसान ने जिहड़े साडा हिंदुस्तान दे लोकां दा ढिड भरदे ने, उन्होंने अज्ज मारन वास्ते बीजेपी तुली हुई है। इस चीज़ का असं डट के विरोध करते हैं। समुची कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पंजाब लेवल दे विच, दिल्ली लेवल दे विच साडे धरने अज्ज चल रहे हैं। साडी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी की अगुवाही दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, साडी पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान, साडे पंजाब के प्रधान जाखड़ साहब की अगुवाही दे विच अज्ज समुची कांग्रेस पार्टी लीडरशिप जिहड़ी हैगी किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है। जे इन्हां ने बेले वापस ना लिया तो असी अखीर अपनियां कांग्रेस पार्टी वालों कुर्बानियां देने तो भी पिछे नहीं हटांगे। सानू पूर्ण उम्मीद है कि किसानां दे हक दे विच ये फैसला जल्दी सरकार नूं लेना पवेगा, क्योंकि अज मजबूर हो चुकी है बीजेपी की सरकार और जिहड़ा नरेंद्र मोदी बंदे खाने पार्टी का प्रधान बनिया होया, इन्हां दे दो तीन लीडर ने जिवें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, असी इन्हां नूं सबक सिखावांगे। कांग्रेस पार्टी उसकी अगवाई करेगी, किसानां दे नाल असी और सानू उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जिहड़ा सैशन बुला के इन्हां दा राज्य सभा दे विच लोक सभा दे विच इन्हां नू बिल ते दुबारा विचार करना पऊगा और जिहड़ा फैसला है वापस लैण। भाई जी साडा धरना जिहड़ा इह मजदूरां दे किसानां दे व्यापारियां दे सारां दे हक च है। कांग्रेस पार्टी हर एक उस फैसले दे विरुद्ध खड़ी होऊगी जिहड़ा लोकां दे विरुद्ध जाऊगा। इस तो ज़्यादा तो कोई नादरशाही फरमान ही नहीं हो सकता। ये कहिंदे आ वारी वारी एक गल भी इह किसानां दे हक च है, सारा किसान तो सड़कों पर उतरिया हुआ है। जे मैं एक गल दसो, कोई चीज़ मैं थोड़े हक च करा तो तुम सड़कों पर उतरो तो मैं वो करना ही नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल धक्का कर रहा। मैं फिर वारी वारी कह रहा जो साडे कांग्रेस के प्रधान कहिंदे आ भी यह सूट बूट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, ये बीजेपी सरकार नहीं हैगी। इन्होंने हर एक फैसला करना है जिद का कचूमर निकले तो इन दियोरिया पर रही जा। देखोगे ये कोई किसानों के विरोध च नहीं है, जे किसानों के विरोध हों तो किसान इतने आते। साड़ी पार्टी के नाल अच्छी एक छोटे सद्दे उत्ते व्यापार मंडल के जिले के प्रधान राजकुमार राजू जी पठियाले आए हुए है, BCCI के बठिंडा चैंबर एंड कमर्स के प्रधान रामा जी इतने आए हुए है, इंडस्ट्रियल एरिए तो तीनों प्रधान आए हुए इतने, सब्जी मंडी के प्रधान आए हुए है, आड़ती एसोसीएशन के प्रधान आए हुए है, ज्वैलर एसोसीएशन के प्रधान आए हुए। कह का मतलब समुची जनता जेड़े जेड़े भी इफेक्टेड बंदे है वो सारे इतने आए हुए है। यह धरना कला कोई किसानों वास्ते नहीं है, क्योंकि ये बिल दे विच जे तुसीं गहराई च जाओगे जिवें जिवें थोनू पता लगता जाऊगा ये आम जनता नू मारू बिल है। इस करके थोनू सारयां नू भी इस दे नाल पूरी विरोधता करनी चाहिए है ता कि ये राज्य सभा दे विच या लोक सभा च दुबारा मजबूर हैं बहस करान ते ते इस दे उत्ते पूर्ण विचार। अकाली दल दे इस्तीफे नू कितना देखदे हो, सिमरत ने इस्तीफा दित्ता है भी जो आप मैं हुण जो बोल रहा तुसीं तां उही गल दिखोगे। उन्होंने इस्तीफा दिता पर मैनू ऐ लगता भाई जी भी जे उन्होंने इस्तीफा इस करके दिता हुंदा भी ये किसान विरोधी बिल है तो तुसीं भी वेख्या होना TV दे दो बहुत वड्डे एंकर है उन्होंने जो पुछया उन्होंने कहा भी मैं नहीं कहती यह किसान विरोधी है, किसान कहते यही गल उन्होंने पिछे हाली भी यो है। उन्होंने बिल इस्तीफा देन का मैनू एको कारण लगता है भी उन्होंने उन्होंने थलों लीडरशिप ने या उन्होंने वर्करा ने दसा सी भी आपां नूं पिंडां दे विच शहर वड़न नहीं देना किसी ने, यह मजबूरी का इस्तीफा है। सरदार मनप्रीत सिंह जी ने एक गल कही सी भी ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई, मैनू तो यही गल लगती है अंदरों भाई भाई है
ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਭਾਅ ਜੀ? ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ MPਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ MP ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 75% ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ GST ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।